ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਮੀਰਾ ਬੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਜੀ ਮਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਰੀ ਪਾਏਗੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਖਲਾ ਦਿਨ ਕਿਆ ਦਾ ਪੀਆ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਜਿੰਦ ਕਿਆ ਮੈਂ ਲਾਸੀ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਬਾਗੜ ਏਰੀਏ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਵੇ ਹਿਸਾਰ ਤੱਕ ਯੂ ਕਪ ਜਗ ਸਾਗੜ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਆਪ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਅੜ ਬਿੱਲੀ ਵਿਆਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਕਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੋਮੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੋ ਦਿਨ ਹੈ ਆਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਪੂਰੇ 4 ਬਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਢੋਆਣਾ ਮੈਂ ਔਰ ਆਰਾਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਚਲੀਏ ਚਲਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਸੇ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਲਾ ਦੇ ਇੱਦੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸ਼ਾਨ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਜਾਓਗਾ ਰਜਵਾਏ ਮਨਾ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫੋਨ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬੇਟਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਗਾ ਬਸ ਅਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆਣਾ ਔਰ ਕੰਨੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਪਾਸ ਮੈਂ ਹੈ ਔਰ ਬਸ 7-8 ਮਿੰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਂਗੀ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਭਸੇ ਦੂਰ ਯਹੀ ਕਾਮ ਥਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਹੀ ਕਾਮ ਥਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਥੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਣੇ ਥੇ ਮੁਝੇ ਸਿਲਵਰ ਬਟਨ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਵੀ ਫਰੇਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਕਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੇ ਮੇਕਓਵਰ ਕਰੇਂਗੇ ਸੋਚ ਤੋ ਰਹੀ ਥੀ ਮੈਂ ਨਾ 2-4 ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਤੋ ਵੋ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅੱਛੇ ਲਗੇਂਗੇ ਪਰ ਵਹੀ ਹੈ ਅਬ ਤੋ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਕਾਮ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੇਂਗੇ ਵੋ
और पहले क्या था ना, मास्टर जी को बोल देते थे कुछ भी लेकर के आना होता है, कुछ भी काम करवाना, हमें तो पता ही नहीं चलता था वही कितने लग रहे हैं कितने नहीं। अब मैं 2 महीने से देख रही हूँ ना कि महीने के लास्ट में इतना खर्चा हो जाता है 1 महीने में, तो थोड़ा सा महसूस भी होता है। तभी कहते हैं भाई, जब आदमी अपने हाथों से देता है ना उसको, तब पता चलता है कि कितने पैसे लग रहे हैं। वरना कभी कभार मैं बोल दिया करती, अब मेरे को ये चीज़ें महसूस होती है कि इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। और अब मेरे को जब मैंने अप्रैल का टोटल किया ना, तब मेरे को ये हुआ कि इतने पैसे लग गए इतना तो भाई। वो तो चलो ठीक है, इस टाइम पे कई तरह का सिस्टम था, वरना इतनी तो आमदनी भी नहीं होती जितना खर्चा हो गया। खैर अप्रैल मई के महीने में होता ही है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, आगे आगे फ़र्क पड़ता रहेगा। तो वहाँ से हम आगे थे और ईव लेना था जय खत्तर ट्रैक्टर, और एक दो और खिलौना ले लूँगी क्योंकि भाई वरना उसने साइकिल की डिमांड कर रखी थी, और साइकिल मैं अभी लेना नहीं चाहती थी क्योंकि गर्मी इतनी है, फिर वो बाहर जाएगा ही जाएगा अगर साइकिल लेकर के दे दी तो। फिर मैंने सोचा कि चलो तब तक 5-6 महीने में वैसे भी फ़र्क पड़ जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा थोड़ा सा और गर्मी भी कम हो जाएगी, तो उसके बर्थडे पे ही देख लेंगे या फिर सितंबर सी में देख लेंगे, क्योंकि अभी गर्मी में तो कोई फ़ायदा नहीं है। और सुबह इतनी तेज़ धूप निकल आती है, बिल्कुल शाम तक तेज़ धूप रहती है, तो फिर बच्चा बीमार हो जाएगा। और वो तो वैसे भी नहीं रुकने वाला, बहुत मुश्किल से रोक करके रखते हम तो उसको, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना बना करके, या कई बार मेरी माँ बोल देती है कि ना जाने दे मैं चली जाऊँगी गल्ला, तो वो चला ही जाता फिर भी चाहे मैं कितना ही रोक लूँ। और फिर कई बार मेरे को भी ये होता है कि भाई अभी नहीं खेल लेंगे तो कब खेल लेंगे, टाइम तो यही है इनका। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बच्चे जैसे देखा होगा आप लोगों ने, मामा के घर जाते हैं ना, वहाँ पे क्या पता 4-5 घरों के बच्चे एक ही घर में खेल लें सारे इकट्ठे होकर के। कभी मामा के आंगन में मामी प्रीति और जावा, वहाँ पे देखा होगा आपने कितने कितने बच्चे मिला कर। पर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, सबके बच्चे अपने अपने घरों में ही खेलते हैं। तो उसके बाद मैंने दवाई ली क्योंकि हमारी जो मिर्चों के पौधे हैं ना वो ख़राब होने लग रहे थे, तो फिर दवाई लेकर के आई थी उनके लिए। और अब यहाँ पे जो सब्जी है वो ले रही हूँ। और तब कई सी दुकान पे चले जाते हैं ना, मतलब भाई कोई अनजान होता है, जैसे कस्टमर ही होते हैं, अभी यहाँ पे ये सब्जी लेने वाला था, वहाँ पे फल लिए, वहाँ पे फल लेने वाले थे, बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, ऐसे वीडियो शूट करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम तो चुपचाप ही क्लिप निकालते हैं, बोलते भी नहीं हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर मतलब कहीं भी चले जाएं, कितनी भी पब्लिक हो, चाहे किसी की शॉप पे गए हैं कुछ भी सामान लेने के लिए, वो बोल करके वीडियो बनाते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा मुश्किल होती होगी क्योंकि वो वॉइस ओवर जैसे कम ही करते हैं ना व्लॉग वगैरह में, बहुत सारे हैं तो, या फिर आदत पड़ जाती होगी जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से। और जैसे हमारे भी मास्टर जी तो बोल रहे हैं बाहर कहीं भी जा रहे हो चाहे, लेकिन मेरे से नहीं बोला जाता, बाहर जा करके कम ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे जो अपने फ्रूट हैं वो ले लिए थे, और भाई आज फ्रूट में हमारे साथ बिल्कुल कोरा धोखा हो गया था। और यूँ क्यों हुआ है ना, जब जैसे हम किसी जान पहचान वाले के पास से लेते हैं ना भाई, जिससे हम ले रहे हैं पहले से, या जैसे मास्टर जी ले करके जाते हैं, तो फिर मेरे को भी ये होता है भाई जहाँ से वो लेते हैं ना वहीं से ले लेती हूँ, अब मैं चाहे फल लेने हो, सब्जी लेनी हो, कोई भी और सामान है, तो उसमें ना तो हम ज़्यादा अगले को कह पाते कि भाई अच्छे डालना, या फिर ना हम खुद डाल पाते हैं, क्योंकि वो एक होता है ना हम भाई किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर विश्वास हमें इतना हो जाता है अगले बंदे पे, ना हम पैसों के लिए बोल सकते, और कई बार ना ऐसे मामलों में धोखा हो जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ ये बात, क्योंकि अगर हम अनजान रेडी पैसे लेंगे तो हम खुद देखेंगे भी, खुद अपने हाथों से डाल लेंगे भी, रेट के लिए भी हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, पर यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो आज क्या हुआ, सारे ही आम इतने बेकार निकले, और जो तरबूज लिया था वो भी बिल्कुल भी मीठा नहीं था, बहुत ही बेकार था, और आम तो इतने खराब थे कि वो ना खाने के थे और ना वो जूस बनाने के थे। तो पहुंच गई हूँ घर, और चाय पानी आज पिया को नहीं था क्योंकि आइसक्रीम ले आए थे, तो वो आए खा ली, और ईब अपने बैठे थे, जो सामान है वो निकालूंगी। और यहाँ भैया लेके आई थी मैं बोतल स्प्रे करने के लिए, क्योंकि कई बार प्लांट्स पे पानी वगैरह भी पत्तियाँ पे छिड़कना पड़ जावा है, बीज उस तक अच्छे तक वो साफ़ हो जावा है, या फिर कोई दवाई वगैरह, या फिर कोई घरेलू हम बढ़ावा तो भाई वो छिड़काव करना पड़ जावा है, तो उस खतर पहले थी, लेकिन वो एक दिन मैं लग रही थी उसने वो करण, तो वो पार्ट गई, पता नहीं कैसे हवा वगैरह बन गई थी उसमें। और जय की जो बोल है और ट्रैक्टर है वो लेके आई थी,
बाकी जो सामान है वो मैं मतलब जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करी थी, वो मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि उसमें कुछ सामान ऐसा था अगर जय ने देख लिया ना बस फिर तो ये मानेगा ही नहीं, इसलिए मैंने वो अभी खोला नहीं था। अबे घर जा इसमें रहने ले आ रहा बड़ी मिस्टर की ये बिस्मोर के काला भी पानी है। हाँ रहने लगी, ले ये बेटा कच्ची ऊपर जाए अच्छा। तो यहाँ पे मेरी माँ लागी थी राबड़ी बनान, जो दिन में हमने धूप में रख दी थी, पर यह राबड़ी बनाई या काम बिल्कुल भी नहीं आई, नुक्की नु फेंकनी पड़गी, किसी ने भी को नहीं खाई, क्योंकि शाम ने तो वैसे नहीं खाई थी भाई सवेरे खावांगे और सवेरे खावे ज़्यादातर, इसने ठंडी हुआ अच्छी हुआ है, पर सवेरे मैं खाने के टाइम पर देखने लग गई तो तांबे के जग में गाल के दर रखी मेरी माँ ने, बस फिर तो मेरा मूड ख़राब हो गया देख के, क्योंकि पहले भी हम इस चीज़ के लिए बहुत बार मेरी माँ को बोल चुके हैं कि भाई तांबे के जग में दूध लस्सी या कोई भी खट्टी चीज़ मत डाल करो, क्योंकि शुरू शुरू में हम तांबे का जग लेके आए ना उसमें दूध गाल के रख दिया कर दी, बच्चे तांबे के गिलास हैं हमारे वो हमने रखे दिए बेड में आखिरी में, उसमें दूध दे दें दी, बहुत बार कह लिया इस चीज़ के लिए, लेकिन बुर लग जाती होगी। और फिर मैं कह रही थी अगर माँ मैं ना देखती आप खुद खा लेते या फिर किसी और को दे देते तो वो नुकसान ही करेगी, देखो उसमें वो फ़ायदा तो करने वाली थी नहीं, ज़्यादा भी कर देगी। 4-5 10 दिन में भी दिए ही बेटा। 5 4 नहीं वो बहुत है, 5 5 दे दे ले एक्स्ट्रा, फिर प्लेट ले बेटा नींबू का रस टपक गया तो दिक्कत हो जाएगी। नींबू तेरा हाँ देंगी तेने भी, तो भाई इस टाइम पे ना 7:15 हो गए हैं और अरादे पे चीनी गुड़वाई, क्योंकि मैंने बड़ी हरकत आया नींबू पानी बनाने थोड़ी, और बेटा चीनी चीनी गोल दे ली थी मैंने खा लिया, और ई नींबू पानी बनाऊंगी पीऊंगी और फिर 10-15 मिनट लौट के देखूंगी, अगर आराम हो गया तो, क्योंकि ना जमा नीचे खड़े होने चक्कर आवे मेरा नहीं आंदे की हो गया, असल में तो 2-3 दिन तक हो ही रहा था, पर ये दिन में तो आज ठीक लगा था, ये फिर हो गया शाम ने, मैंने देखे गर्मी ये दिक्कत हो रही है, वो हो रहा जो पड़ेगी चक्कर आ गया, तो अगर हिम्मत होगी तो मशीन लगाऊंगी, नहीं फिर बाल कहेंगे ड्रेस ड्रेस दूंगी, वैसे तो ड्रेसर आते भी 2 ले हुए हैं, पर इसका स्कूल का काम रह रहा है बेचारी का, मैं क्यों दुखी करी, स्कूल का काम भी करेगी, क्योंकि आज इसने मैं अपने घर ले लेगी थी बेटू, परेशान मत करा मैं अपने आप बना दूंगी लड्डू, और इसने भी बेचारा ना आपे करे काम, इसका चेक करना पड़ेगा किसा करे किसा नहीं, मैं तो आई थी हवा मम्मी का हवा मम्मी हवा हो गया बोला अगर हवा क्या हवा मा काम हवा मा काम बेटा नींबू नहीं छोड़ने वाला लिया बेटे हाथ रसना निकला सारा मेरे पे मान जाएगी तू, मैंने परेशान मत कर, बाकी सब्जी हमने दिन में बनाई थी और राबड़ी बना दी है, 5-4 रोटी गालनी मेरी माँ गाल लेगी, और एक बर्तन पड़े हैं बर्तन और कपड़े 2 काम, बाकी और तो सवेरे देखूंगी, सुख सुख होती मैं प्लांट्स ने भी ऊपर रखने की और जो से नरे होंगे एक साइड में दीवार के नीचे नीचे रखने की, पर तो बड़ा बोलो की सोचू मैं ये भी इतने मखा 2 दिन में एक डाल दूँ, पर फिर ब्लॉग नहीं जाता आपके कमेंट नहीं आते तो फिर कमेंट आ जाए भी नहीं लगता, सच बताऊँ इतनी बूंदी आदत पड़ गई और कुछ नहीं कमेंट याद आ है ना, उस दिन बहुत खाली खाली पन सा लागे जा रहा जैसे कुछ है को नहीं, और आप सबके कमेंट पढ़ के मेरा ची सा लागे कि हाँ भाई इतने बंदे टच में है ना, तो बस इतना तबीयत डाउन ठीक नहीं होनी ना इतने की बात, आज आँखें में तो थोड़ा थोड़ा आराम लग नहीं आँखें में घनी दिक्कत हो रही थी, तो बस कल शाम में मैंने वही क्लिप निकाली थी, उसके बाद मेरी हालत ऐसी बिगड़ी कि बस मैं क्या बताऊँ, और पहली बार ऐसा हुआ होगा क्योंकि मेरी तबीयत कितनी ख़राब हो रखी हो, हालांकि मेरे को सिर दर्द की दिक्कत होती है एसिडिटी की दिक्कत होती है मतलब, तो उसमें मेरे को इंजेक्शन लगते ही तुरंत आराम हो जाता, बिल्कुल 5-10 मिनट बाद ही मैं ऐसी हो जाती हूँ कि जैसे मेरे कुछ हो ही नहीं रखा था, पर आज
मैं जैसे ही पानी पीने के बाद थोड़ी देर लेट गई और लेट करके उठी ना, मेरा सिर इतना ज़्यादा घूम रहा था। सिर में दर्द नहीं था, वैसे चक्कर आ रहे थे। अगर मैं सीधी लेटी हूँ तो ठीक है, मैं मुझे ये लग रहा था कि मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं खाट के ऊपर बैठ रही थी या फिर खड़ी हो रही थी, तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मतलब खड़ा होते ही या बैठते ही बहुत ज़्यादा चक्कर आवे थे, और एक जो मतलब अपना कल जाना वो नू लगा था कि निकलेगा, मतलब घबराहट होनी इस टाइप का कुछ। मतलब बैठा को नहीं जाओ था, अगर बैठ जाऊं थी ना तो फिर बहुत देर तक जी दुखी रहा था, लोटे पीछे भी तो बैठ दौड़ी भी डर लग गया था। फिर काफ़ी टाइम तक वेट किया, और उसके बाद 10 बजे डॉक्टर बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर टेबलेट भी दी थी उन्होंने कि भाई ये टेबलेट ले लेना, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। और एक क्या था ना, आज मैंने पूरा दिन से खाना नहीं खा रखा था, क्योंकि सुबह के टाइम पे जैसे आधी रोटी मैंने खाई थी, बच्चे गए उस टाइम पे, और उसके बाद दोपहर में खाना खाने का टाइम हुआ ना, तो वीडियो एडिट करते करते मुझे ना चक्कर से आने लग गए थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर ना लेटूंगी और उठ करके फिर खाना खाऊंगी। उठ करके फिर मेरे को याद नहीं रहा, मैंने चाय पी, और चाय पी करके तैयार होकर के मैं चली गई टुआना। तो वहाँ से आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया पिया था, और फिर रात के टाइम पे खाना खाने के टाइम पे फिर वही दिक्कत हो गई। तो इस चक्कर में मैं खाना नहीं खा पाई थी, और मेरे को ये लगा कि शायद इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रखी हो, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी पानी पी रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा तरबूज खाया, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई। सुबह के टाइम पे मैं ठीक उठी, तो मतलब दिक्कत तो अब भी है मेरे को, ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा ऊँचा भी, और लेकिन ये है कि वो जो दिक्कत थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब मेरे को ये लग रहा था ना, बुरे बुरे से विचार आने शुरू हो जाते कि भाई ऐसा क्या हो गया, उठा ही नहीं जा रहा हम, ऐसा क्या हो गया, बैठा ही नहीं जा रहा हम, और आज तो बहुत ही अजीब सा दर्द है कि इंजेक्शन से भी आराम नहीं हो रहा। और सच बताऊँ ना, मतलब इन 2 महीनों में मास्टर जी के जाने के बाद सबसे पहली बार मुझे इतनी कमी फील हुई उनकी, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि देखो सब हैं, सब प्यार करते हैं। अब मेरे काका भी बेचारे रात में 10 बजे डॉक्टर के पास गए, बुला कर लेकर के आए, पर ये थोड़े से ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयर करते थे भी, बहुत ज़्यादा। तो इनकी तो कमी महसूस हुई मेरे को बहुत ही। और क्या था ना, जैसे पिछले इन दिनों में भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो बस जो ठीक हुआ ना वो, सच बताऊँ मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, आप लोगों के कमेंट और मास्टर जी का जो मेरे साथ साथ था ना हर टाइम पे, सुबह जाते थे तो भी कुछ खाना पीना दे करके जाते थे, और मुझे बहुत सारी बातें समझा करके भी जाते थे, क्योंकि उस टाइम रियल में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और मतलब उस सिचुएशन में मैं थी कि आदमी कुछ भी कर सकता था, तो वो वाली सिचुएशन मेरी थी। लेकिन ये बार बार दोनों तीनों टाइम मुझे समझाते थे बैठ करके कि किसी का कुछ नहीं जाता, ये बात वो बात। और लेकिन कई बार ऐसा टाइम आ जाता है आदमी के अंदर। तो आज सुबह से मैंने जो मशीन है वो लगा दी थी, और बस यही था भाई, कभी लेटी कभी काम किया, कभी इस तरह से अपना सारा काम किया। और शाम में भी जैसे बहुत बुरा हाल हो रखा था किचन में भी, वो भी संगवाई। तो अब जो कपड़े हैं वो मैंने सारे धो के सुखा दिए हैं, कुछ उतार लिए थे जो दिन में धोए थे वो सारे, उनकी तह लगानी है। और यहाँ पे जो सामान लेकर के आई थी बस अब वो निकाल रही हूँ, और साथ में मास्टर जी की वीडियो कॉल आई हुई थी, क्योंकि क्या होता है ना, या तो फिर रात के टाइम पे बातचीत होती है, इस टाइम पे मतलब शाम से के टाइम पे, इस टाइम पे मेरे ये होता है कि भाई क्लिप निकालने का टाइम होता है, क्योंकि दोपहर में तो अब कुछ होता नहीं, गर्मी इतनी हो जाती है, या फिर सुबह के टाइम पे फ़ोन आता तब हम उठते हैं, उस टाइम पे वैसे नहीं मन करता थोड़ी देर तो किसी के साथ बातें करने का, तो बातें हमारी बहुत ही कम, ये लगा लो 5-10 मिनट सुबह के टाइम पे, या फिर थोड़ी बहुत देर शाम के टाइम पे बात होती होगी पूरे दिन में, वो भी बच्चे ही लगे रहते हैं, मतलब जया करता है बातें, आराध्या तो नहीं करती क्योंकि ये अपने पापा के साथ कम ही बोलती है। और यहाँ पे अब जो सामान है मैं वो डाल दूंगी जो लेकर के आई थी। तो अब यहाँ पे जो कपड़े सूख चुके थे उनकी तह लगा दूंगी, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, देखूंगी कल भी लगानी पड़ेगी मशीन, क्योंकि मतलब सोफे के कवर और ये जो बेडशीट, पहली बार ऐसा हुआ होगा इतनी जल्दी ये ख़राब हुई है, वरना ये बेडशीट तो ना मैं उतार देती हूँ दीवान की, ये तो लगता ही नहीं कि मैली हो रखी है। हालांकि वो तो वाइट चादर थी, फिर भी वो महसूस नहीं हो रहा था कि भाई गंदी हो रखी है, बस मैंने वैसे उतार दी।
पर आज इस चादर पे मैंने देखा तो लग रहा था कि भी धोने की ज़रूरत है। सोफे की कवर भी दूंगी और जो पर्दे हैं वो भी दूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसका ना पूरा मतलब क्लीनिंग कर ही देंगे ड्राइंग रूम की, और थोड़ा सा मेक ओवर भी करेंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। तो इस करके मन सा नहीं लगता ना फिर ऐसे, अगर हम घर में कुछ चेंज करते हैं ना तो फिर कई दिन मन सा लगा रहता है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलो फिर अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, कल या परसों क्योंकि एक दो दिन और गैप लगाऊंगी, उसके बाद फिर रूटीन पे आऊंगी। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, बाय।